मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आवारा कुत्तों के हमले में जान गंवाने वाली बच्ची के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने इस घटना पर दुख जताया और मृतक बच्ची के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने मृतक बच्ची के परिजनों से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बच्ची के परिजनों से मुलाकात की जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के धोबी घाट इलाके में शनिवार को कुछ आवारा कुत्तों के हमलों में 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी। आज मृतक बच्ची के परिजनों से मिला। आवारा कुत्तों का खुलेआम रिहायशी इलाकों में घूमना बेहद गंभीर मामला है। NDMC के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस समस्या का तुरंत समाधान करें। बच्चों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। बता दें कि यह घटना 24 फरवरी की शाम करीब 6:30 बजे की है। NDMC एरिया में तुगलक लेन के चमन घाट में करीब 2 वर्षीय बच्ची माता पिता के साथ रहती थी। घर के बाहर बच्ची पर कुछ आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें वह बुरे तरह से घायल हो गई। घर में बच्ची को न पाकर परिजन उसकी तलाश करने लगे। परिजनों ने घर के बाहर कुछ आवारा कुत्तों को बच्ची पर हमला करते देखा। परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे और कुत्तों से बच्ची को मुक्त कराया। उसे गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पशु चिकित्सकों की एक टीम ने मौके का दौरा किया और पाया कि क्षेत्र में कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी की जाती है। पुलिस जाँच से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लड़की के परिवार ने दावा किया कि कुछ लोग इलाके के पास आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित के चाचा रवि ने कहा कि शाम 6 बजे के आसपास 4 से 5 आवारा कुत्तों ने अचानक हमारे बच्चे पर हमला कर दिया। उसे 100 से 150 मीटर तक घसीटा और घायल किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने बार बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।